हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में आपको देने वाला हूँ एक बैड न्यूज़ जो कि रॉयल इनफील्ड बायर्स के लिए है, जो नई रॉयल इनफील्ड लेने वाले हैं उन लोगों के लिए एक बुरी खबर जो है रॉयल इनफील्ड की तरफ से निकल के आ रही है। और ये कंफर्म न्यूज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और वो जो न्यूज़ है भाई वो रिलेटेड है प्राइस से। सबसे पहले तो भाई मीटियोर 350 के बारे में बताओ। बहुत से भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मीटियोर को नहीं लेके आ रहा है वीडियो के अंदर, तो देख लो भाई मीटियोर आपके सामने है। कैसी लग रही है बाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जो प्राइस है भाई रॉयल इनफील्ड की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्राइज जो हैं बढ़ने वाले हैं हर बाइक के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। और जो प्राइज़ में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी वो 5 से 10 हज़ार रुपये जो है ऑन रोड प्राइस के अंदर जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम 5 हज़ार रुपये बढ़ेंगे और मैक्सिमम 10 हज़ार तक जो है प्राइस बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है बाइक कौन सी है, ठीक है ना। तो जो बुलेट 350 है उसका प्राइस बढ़ेगा, क्लासिक का भी, हंटर का भी, और जो भी आपकी दूसरी बाइक्स आती हैं जहाँ आप मीटियोर लगा लो, सभी बाइकों के प्राइस बढ़ेंगे। जैसे आप स्टैंडर्ड की बात करें तो वो भी 1,90,000 रुपये के आसपास आ रही है, 95 के आसपास हो जाएगी ऑन रोड, ठीक है ना, ऐसे हम कह सकते हैं। या फिर हम बात करें क्लासिक 350 की, तो उसका जो बेस मॉडल है वो फिलहाल ऑन रोड 2,25,000 रुपये में आ रहा है, वो 2,30,000 का हो जाएगा। तो ऐसे करके जितनी भी बाइक्स हैं रॉयल इनफील्ड की सब के ऊपर जो है प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको एक रॉयल इनफील्ड बाय करनी थी या करनी है तो भाई इस राइट टाइम है, अभी बाय कर लो, क्योंकि उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से तो BS6 फेज 2 भी आ जाएगा, उसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे बाइकों के अंदर और प्राइस तो डेफिनेटली बढ़े ही बढ़ेगा। तो अगर आप एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हो और आपको लेनी है तो अभी वो राइट टाइम है, और फटाफट ले लो भाई जाके। और एक चीज़ और यहाँ पे आपने ध्यान करनी है, ये नहीं कि आज आप जाके बाइक बुक कराया हो और आपको बाइक जो है 1.5-2 महीने के बाद मिल रही है, फिर जो है प्राइस जो है जिस दिन आप डिलीवरी लोगे उसी दिन का आपको लगेगा। तो बाइक आपने ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे आपको हैंड टू हैंड डिलीवर हो जाए बाइक, आपको वेट ना करना पड़े। बुकिंग वगैरह है या टाइम ले रहे हैं वो तो फिर भाई वहाँ पे आपको फिर परेशानी होगी, वही बात पड़ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का पहले बाइक लेने का। मान लो आज अगर आप 5 मार्च को बाइक ले बुक जाते हो शोरूम पर और बुक करा देते हो और वो डिलीवरी आपको 5 अप्रैल को देते हैं, तब तक तो बाइक का प्राइस बढ़ जाएगा। और रॉयल इनफील्ड जिस दिन आप बाइक की डिलीवरी लेते हो उस दिन का प्राइस लगाता है। और रॉयल इनफील्ड के सभी कंपनियों का भाई यही रूल है कि जिस दिन आप बाइक की डिलीवरी लेते हो उस दिन का आपको जो है प्राइस लगता है, उस दिन जो उस बाइक का प्राइस चल रहा है, ओके। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपको बाइक लेनी है तो फटाफट ले लो और हैंड टू हैंड डिलीवरी लेना प्रेफर करें, या 2-4 दिन के अंदर कोई दे रहा है तो वहीं से बाइक बुक कराएं और वहीं पे लें। अपने नियरेस्ट शोरूम दूसरे पे जाके आप पता कर सकते हो, जो आपके सबसे नज़दीकी शोरूम पे आपको बाइक नहीं मिल रही है तो आसपास जो दूसरे शोरूम होते हैं उन पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और बाइक आपने लेनी है तो 10 दिन के अंदर अंदर ले लो, 10 से मैं जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बाइकों के जो प्राइस हैं वो डेफिनेटली बढ़े ही बढ़ेंगे ऑन रोड प्राइस, ठीक है ना। ये BS6 फेज 2 की तरफ से भी हो रहा है और ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सभी जो व्हीकल्स हैं उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। और ये मैंने रॉयल इनफील्ड के शोरूम से पता किया है, जो प्राइस मैंने रॉयल इनफील्ड का आईडिया आपको दे दिया है 5 से 10 हज़ार रुपये हर बाइक के ऊपर बढ़ने वाले हैं, ओके। तो काइंड ऑफ एक बैड न्यूज़ ही है और एक अपडेट भी है, मैंने आप लोगों को दे दिया है, जो भाई चैनल पर रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगा कि किसी को बाइक लेनी होगी तो भाई वो फटाफट ले लेगा, कम से कम 5-10 हज़ार रुपये तो अपने बचाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि रॉयल इनफील्ड की जो बाइक्स हैं उनके प्राइस 5 से 10 हज़ार रुपये के अराउंड बढ़ने वाले हैं ऑन रोड प्राइस। अगर आपको एक बाइक करनी है, बाइक लेना चाहते हो आप, तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप बाइक को परचेज कर लो, ठीक है। और साथ के साथ लें बाइक, ना कि जो आपको बुकिंग के 1 महीने बाद मिल रही है बाइक तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। बाइक आपको 20 दिन बाद मिल रही है तो 20 दिन बाद वाला ही प्राइस लगता है, ओके। तो आज वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।